सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जैन। ये खबरें बता रही हैं कि जैन समाज के विरोध किस तरीके से षड्यंत्र रचे जाते हैं। अरे हकीकत में पंडों से आतंक होता है, पंडों से चिमटे उठते हैं और एक प्रकार से कहते हैं हत्या की कोशिश की जाती है, मारपीट की कोशिश जाती है। और कहा जाता है कि जैन समाज ने मूर्ति तोड़ने की कोशिश की। अरे जो चींटी के ऊपर हाथ नहीं रखता वह कहते हैं उसके ऊपर कितने गजब की बात है। इस बात के हमें एक मिलकर आवाज उठानी होगी, चाहे चैनल आज बोल रहे हैं कभी खबर नहीं छपी, हजारों बार पीट चुके हैं, हर रोज पीटते हैं लेकिन कभी कोई खबर नहीं बोलता, और आज अखबार किस तरीके से बोलते हैं यह गजब की बात है, बड़ी शर्म की बात है। इसका हर को आवाज देनी होगी, बताना होगा कि गिरनार के अंदर फिर पंडों ने चिमटे उठाकर हरकत की थी, बड़ी बदतमीजी की थी। वह दृश्य आपको दिखाएंगे, देखकर चौंक जाएंगे। और कहते हैं कि कुर्सी हिलाई थी, मूर्ति गिराने की कोशिश होती है, चरणों को नष्ट करने की कोशिश होती है। अरे वह चरण जो नेमिनाथ भगवान के हैं, जिसके अंदर अपनी जान घूमती है, उसके बारे में ऐसे कहा जाता है। SP को कलेक्टर को यह पत्र 30 तारीख को लिख दिया था। अदालत का 17 फरवरी 2005 का आदेश भी क्लियर है कि कोई भी हमें टूरिस्ट के रूप में आए, दत्तात्रेय के भक्त आए या नेमिनाथ के भक्त आए, सबको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी और उनकी सुरक्षा के लिए यह अपील की गई थी। लेकिन जब जैन समाज के 250 लोग के लगभग गए श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ, कोई सुविधा नहीं मिल पाई। ऐसा क्यों किया गया और वहां पर यह आरोप लगा दिए गए, दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे, नेमिनाथ भगवान की जय, गिरनार की जय, नमोकाल मंत्र पढ़ रहे थे, आवाज पीछे आपको आ रही होगी, सुन रहे होंगे, लेकिन गेट पर ही पंडित खड़ा हो जाता है, सावधान रुक जाओ। यह कहा जाता है गजब की बात है, दर्शन करने जा रहे हैं। ये आज का किस्सा नहीं था, हर बार का किस्सा था, लेकिन इस बार वे कुछ नहीं कर पाए थे, तकलीफ तो इस बात की हो गई थी, खुजली इसकी मच गई थी। और फिर यह दृश्य आप देख रहे हैं, गेट पर खड़ा हो गया था, लेकिन तब भी एक एक दो दो तीन तीन इतनी बड़ी संख्या देकर उसने चुपचाप रास्ता देने को मजबूर हो गया था। प्रवेश करते ही वो सामने दृश्य आ गया जो हर बार आता है, यही दृश्य आवाज के साथ सुन रहे हैं आप, कोई आवाज नहीं पड़ती, आवाज सुन रहे हैं, कितना शोर था, कितनी धमकी थी, धमकियां चल रही थी बराबर, और वहां पर लोग अंदर आ रहे थे। जब गिनती बढ़ती गई थी उसने चिमटे उठा लिए थे, जैसे किसी तरह से हमला करने की कोशिश की। एक महिला ने तबीयत सरकाई थी कुर्सी, भाई ऐसा क्यों करते हो, ऐसे मत करो, यह कहने के चक्कर में क्या फर्क कि आज सारे अखबारों ने कल जैन समाज को एक बार कलंक की धक्का लगाने की कोशिश की, एक धप्पा लगाने की कोशिश की उस समाज के ऊपर जो अहिंसक है, उसके बारे में आज पहली बार हमें इसका विरोध करना पड़ रहा है कि मीडिया हमारे साथ भी कितना बड़ा खेल खेलता है, एक तरफा रिपोर्ट छापता है, दूसरे से बात भी नहीं करता है, प्रमाण नहीं देखता है। अब यह देखिएगा दृश्य, आप बार बार जो आपको दिखता है चौंकाने वाला दृश्य होता है जब आप देखते हैं। Anchor 5 दृश्य आप देख रहे हैं, यह अब का दृश्य है, ये उस कुर्सी को हिलाने से पहले का दृश्य है, जिस तरीके से हवा बनाया गया। अरे पहले तो एक हाथ में डंडा लेके मारने की कोशिश करता था, अब क्या दोनों हाथ में चिमटे लेकर, यह दृश्य एक बार नहीं बार बार नहीं बार बार देखिए। अरे हर को बताइए जिसने अखबार में छापा, जिसने चैनल TV9 चैनल 2 घंटे तक इस पर रिपोर्ट चर्चा करता है, अरे एक जैन समाज के वाले बच्चे से बात नहीं करता है और कहता है एक तरफा क्या क्या इतने अनाप शनाप आप रखते हैं जिसका कस के विरोध होना चाहिए। चैनल महालक्ष्मी जैन और संघ के साथ इसका घोर विरोध करेगा और इसके बारे में एक सख्त प्रतिवाद के साथ एक पत्र भी भेजेगा, कल वह पत्र आपके सामने भी होगा। देख रहे हैं चमटा किस तरह चल रहा है, अरे इस जैन समाज से कह रहा है जो हर बार पिट कर आता है, पिटते पिटते दर्शन नहीं कर पाता है। अदालत ने 2004 में कहा गया और आज तक 19 साल तक कोई इस पर आवाज नहीं उठती। अरे एक बार दर्शन करने का ही जयकारा बोला, उसी से तकलीफ होने लगी। अरे भाई तुम इस दत्तात्रेय मानो या चाहे नेमिनाथ मानो, अरे टूरिस्ट ग्रुप में आओ, अदालत ने सबको कहा है अदालत के अवमानना मत करो, उसके आदेश के बारे में कभी भी उल्लंघन मत करो। अहिंसा के नारों को बहने वाले, अहिंसा के बीज बोने वाले, अहिंसा की बात करने वाले पर किस तरीके से आप बात करते हैं, उसके बारे में ऐसे आरोप लगाते हैं, यह बड़ी शर्म की बात होती है। यह सब लोग किस तरह जयकारे लगाए, खुशी से जा रहे थे, श्रद्धा दिखा रहे थे, भक्ति दिखा रहे थे, और एक बार इनको आने पर आपको तकलीफ होने लगी थी। पंडे वहां बैठ सकते हैं लेकिन जैन वहां पर दर्शन नहीं कर सकते हैं, पंडे आके जुख कर सकते हैं लेकिन यहां पर आके हम पूजा का जयकारा नहीं पूछ सकते हैं। और इसके बारे में आचार्य श्री शंकर जी ने खरी खरी बात आज सुबह भी कही, सुनिए जरा। गिरनार में इस समय जो पक्षपात चल रहा है, जैन यात्रियों पर जब हमला होता है तो उसकी कोई रिपोर्ट नहीं बनती है, कोई हेडलाइन नहीं बनती है, कोई समाचार नहीं बनता है। और अगर उस जैन यात्रियों में से किसी ने कुर्सी भी इधर से उधर सरका दी तो वो तोड़फोड़ बन जाती है। इतना जबरदस्त भेदभावपूर्ण व्यवहार है। जिन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरणों की पूजा करने वो श्रावक बंधु ऊपर गए हैं
उन पर आरोप लगा दिया जाता है कि चरण तोड़ना चाहते हैं, मूर्ति हटाना चाहते हैं। वे तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि संविधान के मुताबिक यहां मूर्ति जो थोड़े वर्षों पहले लगाई गई है वो नहीं होना चाहिए। वो तो शासन प्रशासन को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि संविधान के हिसाब से जो यहाँ अवैध निर्माण हो गए हैं, जो संविधान के विरुद्ध हैं, उनका पालन हो। तो यहाँ पहले छतरी थी, जो जैन परंपरा और शैली की छतरी थी, वापस बनाई जाए। यहाँ पर नैमिनाथ भगवान के चरण हैं, उनके दर्शन वंदन करने का अवसर हमको और सबको दिया जाए। अभी जरा सी बात को ऐसा तूल दे दिया कि दो भाई आपस में झगड़ पड़े। जैन और हिंदू बरसों बरस से साथ रह रहे, लेकिन अभी जो रूप दिया जा रहा है और ऐसी कोशिश है कि दोनों एक दूसरे के सिर्फ टवल पर उतर आए, जबकि बात वैसी कुछ नहीं है। धमकी दी, बताइए, अहिंसा प्रिय अल्पसंख्यक समाज किसको धमकी देता है, किसको धमकी देती? वहां इनको रोज धमकी सुनना पड़ती है। कोई श्रावक जाता है तो है हट निकल, डंडा और तलवार उठा ली गई, तब किसी ने कुर्सी सरका दी, अपने बचाव के लिए किसी ने हाथ पांव थोड़े से चला दिए, जिनने बचाव के लिए कोशिश की उन पर FIR हो गई, अखबारों में उनके लिए बड़े बड़े अक्षरों में विरोध छप गया, जिन्होंने ऐसा किया दिगंबर, जिन्होंने वैसा किया। भाई ये नन्ही सी कौम, ये सरल स्वभावी शांत लोग ऐसा वैसा कैसे करेंगे? कहीं कुछ तो उपद्रव हुआ, किसी ने और तो तलवार उठाई है, किसी दूसरे ने पहले डंडे उठाए हैं, और पूरा देश देख रहा है कि डंडा और तलवार किसके हाथ में। और एक श्रावक के मत्थे पड़ दिया कि उसने तलवार उठाने की बात कहीं उठाई, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। गिरनार के मामले में सिर्फ एक कहना है, चाह है कि वहां सुंदर प्राचीन जो व्यवस्थित चरण है, उन चरणों के दर्शन सबको हो। उन्हें तोड़ना फोड़ना तो दूर की बात है, उस पर हम खरोंच भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ककुदंभवा कचरियो सिदुसे शिखरी रलंग करता मेघ पटल परिवी ततस्तव लक्षणान लिखितानि वज्रिणा बहती तीर्थ में से विश्व सततमिगम तीर्थ प्रीति वितर हृदय पर तो भ्रसमूर्जयंत विश्व तो चला। दिग्गज आचार्य हुए समंत्रभद्र, 2000 साल पहले उन्होंने ये लाइनें लिखी कि ऊर्जयंत के सबसे ऊंचे शिखर पर इंद्र ने नैमिनाथ भगवान के चरण बनाए थे, वज्र से चरण खोदे थे, तो वो तो अत्यंत पूज्य और वंदनीय चरण है, उन पर तो खरोच देखना सुनना भी हम पसंद नहीं करेंगे, उन्हें तोड़ने की बात तो बहुत दूर की। आप चाहे उन्हें श्री दत्तात्रेय के चरण कहो तो भी उन्हें कोई जैनी क्षति नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि असल में 22वें तीर्थंकर भगवान के चरण है, और वर्षों तक वही मान्यता रही है। कुछ वर्षों में कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों के कारण से कहिए और इस तरह की चीजें पैदा कर दी, क्या श्रावकों को दर्शन करना दुर्लभ हो रहा? इतिहास गवाह है जैनों का, आज तक कोई मंदिर नहीं तोड़ा, आज तक कोई मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं की, और इतिहास ये भी गवाह है कि आज तक अनेकों जैनों के मंदिर तोड़े गए हैं, अनेकों मूर्तियां गई, अरे अनेकों मंदिर बदले गए हैं, अनेकों मूर्तियां बदली गई हैं। सुनिए जरा आचार्य जी से, आपसी सामंजस्य के लिए, भाईचारा के लिए एक दूसरे को समझना और सहयोग करना बहुत जरूरी है। जैनों ने आज तक के इतिहास में किसी भी मंदिर में तोड़ फोड़ नहीं की, किसी भी किसी के मंदिर पर कोई कब्जा नहीं किया। क्यों? इनकी मूर्तियां तो पूर्णतः वितरागी दिगंबर होती हैं, इनकी मूर्तियों के आगे पीछे आजू बाजू में यदि कोई देवता होते हैं, यक्ष यक्षिणी होते हैं, तो वो भी उग्र नहीं, शांत स्वभाव वाले होते हैं। अब ऐसे में इन्हें कहीं और किसी मंदिर में कब्जे वगैरह के लिए कोई चांस ही नहीं बैठता, क्योंकि वितरागता जहां नहीं है वहां ये क्या करेंगे।
और कभी ऐसे अवगुण और ऐसी खोटी सोच भगवान महावीर स्वामी की कृपा से जैन समाज को पैदा ही नहीं हुई। खासकर दिगंबर जैनों ने कभी किसी मंदिरों पर हमले और कब्जे नहीं किए, क्योंकि हमारे भाइयों ने ही दिगंबर मंदिरों पर बहुत जगह दावे कर दिए, बहुत जगह विवाद खड़े कर दिए, बहुत जगह हथियाने के षड्यंत्र चालू कर दिए, जबकि इससे अपना ही घात हो रहा है। वे भी जानते हैं वितराता नृगंथता ही प्राचीनतम है, उत्कृष्ट है, फिर भी दत्तात्रेय की मान्यता वाले भी दिगंबरा दिगंबरा इस मंत्र का जाप करते, मतलब है दिगंबरत्व, दिगंबर महानतम और प्राचीनतम है। रविनाथ भगवान के गणधर भी थे जिनका नाम बरदत्त था, बरदत्त रत्नत्रय धारी थे, तो उन्हें दत्तात्रेय भी कहा जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि मान्यता वितराता की और शराकता की। हर कोई जानता है कि वैदिक परंपरा क्या रही है, यज्ञ और हवन की रही है, और दिगंबर या जैन समाज की परंपरा क्या रही है, हमेशा मूर्ति की पूजा की रही है। इसलिए मूर्तियाँ क्या होती हैं ये नेमिनाथ के अंदर भी दिखता है, पर हकीकत में कौन किसको बदलता है यह कोई देखता नहीं है, अरे सब कुछ दिखता है। सुनी आचार्य से, जैनियों का देश में किसी से, दुनिया में किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ तक कि वे हर पल कहिए हर साल कहिए मिच्छा में दुपड़म उत्तम क्षमा, अगर उनसे किसी से गलती हो जाए कि ऊंचा नीचा शब्द भी बोल दे कठोर भी बोलते हैं तो कहते हैं मिच्छा में दुपड़म, कहेंगे मुझे क्षमा करिए, मेरी वजह से आपका दिल दुखा आपका मन दुखा है, आप मुझे क्षमा कर। ऐसी कौम के लोग क्यों कहीं हमला करेंगे, क्यों कहीं उपद्रव खड़ा करेंगे, क्यों कहीं कब्जा करेंगे। विचार करिए, अगर ये शांत कौम कुछ आक्रोश में है, अगर ये देने वाली कौम कहीं कुछ मांग रही है, तो निश्चित इस बात में कुछ तो दम होगा। ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। श्रमण संस्कृति वैदिक संस्कृति सात सात वर्षों से चलती आई। वैदिक संस्कृति की मूल मान्यता जैसे कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था कि मूर्ति पूजा की परंपरा बहुत नई है, अथवा ये परंपरा जैनियों की है। मूलतः वैदिक संस्कृति की मान्यता यज्ञ और पूजा की रही है, मूर्ति और मंदिरों की बाद में जुड़ी है, लेकिन जैनों में आदिकाल से ही मूर्तियों की पूजा की परंपरा रही है। अरे दबाओगे तो दब जाएंगे, इंसान ही तो है, जब बहुसंख्यक का हाथ पड़ेगा दबाने के लिए दब जाएगा, पर कहते हैं उन चीखों के अंदर जो बद्दुआएं निकलती हैं वो किसी को भी छोड़ती नहीं है, ना कभी हम किसी को छेड़ते हैं, और पर छेड़ने वाली जब होते हैं, जब कोई छेड़ता है किसी शेर को तो वह कई बार छोड़ता नहीं है, पर यहाँ कहते हैं तुम दबा दोगे गिनती में लेकिन बद्दुआओं से नहीं बच पाओगे। सुनिए जरा आचार्य जी से। हमें ये भी समझना चाहिए कि वहां पर अगर वो मूर्ति खुदी हुई है चट्टान पर साफ सुथरी नेमिनाथ भगवान की, तो उसे क्यों खिंचा जाए, पास में ही दूसरी और मूर्ति क्यों बना दी जाएगा। थोड़ा जरूरी है आपसी सामंजस्य के लिए, माना की संख्या में बहुत कम है ये समुदाय, अच्छा दबाया जाएगा तो एक बार चुप भी हो जाएंगे, लेकिन बद्दुआएं जो निकलती हैं कि भाई हमारी चीजें हमारे मंदिर क्यों छीने जा रहे हैं, हमारे दर्शन के हमारे पूजन के अधिकार को क्यों छीना जा रहा है, मिलजुल करके चलने वाले हम मिलजुल करके ही चलें, ऐसे में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। पिटाई आप लगाएं और आप ही FIR करके और तकलीफें पैदा कर दें, ये बुद्धिमानी नहीं, आपके लिए बुद्धिमानी हो सकती लेकिन एक समुदाय जैन समुदाय के लिए तो बड़े नुकसान की बात है। उसकी कितनी बेइज्जती हो रही है, कितना तिरस्कार हो रहा है कि जैनों ने ऐसा किया। जो समझदार लोग हैं वो कह रहे हैं कि जैन लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बात कुछ और होगी,
लेकिन जो सिर्फ लाइनों पर लकीरों पर विश्वास करते हैं वो कह रहे जिन्होंने ऐसा किया, और जो पास पास और प्रेम से रह रहे थे अब उनके मन में भी एक विकल्प खड़ा हो रहा है। जैसे हमारे विरोधी हैं, जैन अनेकांतवादी हैं, जातवादी हैं, अहिंसावादी हैं, प्रत्येक जीव को परमात्मा आत्मा मानने वाले हैं, वे किसी के विरोधी कभी नहीं हो सकते। चीटी को कुचलना जो पाप समझते हैं वो क्यों किसी पर बोले तलवार ढाली? अरे कहाँ तलवार ढाली, इनके पास तो छोटा सा चाकू मिल जाए, घर में सब्जी बनाने के लिए चाकू मिल जाए, यही बहुत बड़ी तलवार है।